द प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी सोशल मीडिया पर अपनी खास टिप्पणी के लिए जानी जाती हैं। इस बार उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर ट्वीट करते हुए तंज कसा है। सत्ता में एंट्री और सीधे मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक बार फिर अपने ट्वीट के जरिए बिहार सरकार पर तंज कसा है। द प्लूरल्स पार्टी के प्रमुख ने लिखा कि भारत की जनसंख्या सबसे अधिक हो चुकी है और बिहार की देश में दूसरी सबसे अधिक हो जाएगी। राज्य क्षेत्र के मुकाबले ये जनसंख्या विस्फोट है। एक बिहारी सब पे भारी तो पता नहीं, पर आबादी बिहार पर बहुत भारी पड़ने वाली है। धन्यवाद नकली नेताओं का जो परिवार नियोजन विरोध आंदोलन की उपज रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने ये ट्वीट कर किस पार्टी और किस नेता पर तंज कसा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपको बताते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने ये ट्वीट आखिर किया क्यों है। दरअसल यूएन के आंकड़ों के मुताबिक भारत इस साल मध्य तक चीन को पछाड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 की डेटा का अनुमान है कि चीन की 1425 बिलियन आबादी की तुलना में भारत की जनसंख्या 1428 मिलियन हो गई है। अब सवाल ये है कि देश में काफी लंबे समय से हम दो हमारे दो के नारे के साथ जनसंख्या नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है। सरकार इस बात को लेकर चिंतित रहती है कि देश की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा। जाहिर है जनसंख्या बढ़ने पर मौजूदा संसाधनों पर बोझ बहुत बढ़ता ही है। वहीं कई देश इस समय जनसंख्या घटाने को लेकर चिंतित थे। इन सब के बीच जब खबर आई कि भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है तो पुष्पम प्रिया ने इसका बिहार कनेक्शन जोड़ते हुए ये कह दिया कि देश में सबसे ज्यादा आबादी के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर आने वाला है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बिहार की खबरों के लिए बिहार तक के पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।